पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे ब्रांच मैनेजर ने अपनी पत्नी पर वसूली करने का आरोप लगाया है। जिला अनंतनाग कश्मीर में तैनात ब्रांच मैनेजर ने मुरादाबाद पहुंचकर अपनी सुनवाई के लिए एक शिकायती पत्र महिला थाना प्रभारी को सौंपा। ब्रांच मैनेजर अमित पाठक ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शादी.com के माध्यम से उसकी शादी मुरादाबाद निवासी लड़की से हुई थी। शादी के बाद पत्नी और उसकी माँ कश्मीर में ही रह रहे थे, लेकिन अब महिला थाने में उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है, जो सरासर गलत है। पीड़ित अमित पाठक ने अपने शिकायती पत्र को सौंपते हुए कहा है कि वो अपनी पत्नी को अपने साथ आज भी रखना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी 10 लाख रुपए लेकर उसे छोड़ना चाहती है। पीड़ित ने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा है कि उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जाए। इलाकाई देहाती बैंक जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हूँ ब्रांच मैनेजर, और मेरी वाइफ मुझे बिना बताए फरवरी 2021 में यहाँ आ गई थी। वहाँ से मेरे पैसे लेके आए, वो गहने लेके आई, 30,000 रुपये थे, 7 लाख के आसपास गहने थे, और मुझे बिना बताए दोनों मेरी वहाँ के गहने भी थे कुछ, और कीमती सामान जो भी वो लेके आ गई। अब यहाँ आके उसने अभी कुछ टाइम पहले 21 तारीख को उसने मेरे को मुकदमा कर दिया, एप्लीकेशन दी मेरा थाने में कि, और वहाँ पर कहा है कि मैं उसको मारता हूँ, ये वो सब चीज़ें उसने लिखी, उल्टी सीधी एलिगेशन लगाए मेरे पे, और अब 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। और इनका यही मैटर है, इन्हें पहले पति को भी छोड़ा था तो उससे भी इन्होंने पैसे लिए थे इसी तरीके से। इन्होंने अपना धंधा बना रखा है यही करने का। मैं इसमें बहुत परेशान हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे थाने में पुलिस ने बिठा कर रखा, बुलाया था वहाँ पे, अब छोड़ने को बोल रही कि छोड़ दो मुझे और 10 लाख रुपए दे दो। मैं कहाँ से 10 लाख रुपए लाऊंगा। अच्छा, शादी कैसे हुई थी आपकी? शादी हमारी शादी.com के थ्रू। इन्होंने मुझे मौका नहीं दिया सोचने का कुछ भी। 4 दिन पहले हमारी बात हुई, पहुँच कर तुरंत शादी कर ली। उसके बाद मुझे दोनों माँ बेटियाँ साथ में रहती थी, बहुत परेशान करते थे। मैं जरा सा कुछ नहीं बोल सकता था, अपने घर पर मैं कुछ पैसे देता हूँ माँ बाप के लिए, उसके लिए मुझे बहुत परेशान करते थे। शादी मंदिर में हुई थी? शादी मंदिर श्रीनगर में हुई थी, जिन्होंने वहीं जाकर शादी की थी, मेरा कोई घर वाला नहीं था। अच्छा, ये रहने वाली कहाँ की हैं? ये मुरादाबाद। आप कहाँ रह रहे हैं? खालसा मुरादाबाद। आप कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम बैंटा पाठक, डिस्ट्रिक्ट बदायूं। जॉब आपकी? जॉब अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, कश्मीर। कितने दिन आपके साथ रही हैं? ये लगभग मेरे साथ रही हैं, आती जाती रही हैं, कंटिन्यू परमानेंट नहीं रही कभी भी। यहाँ रहकर मुझसे पैसे की डिमांड करती रहती हैं बार बार। आपने मनाने की कोशिश की? बहुत बार मनाने की कोशिश की। मैं, मम्मी पापा सब गए थे इनके घर पे, तो उन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती की, मम्मी पापा की भी, मेरी भी, मेरे ड्राइवर की भी। बस वही कि मैं जाऊंगी नहीं, मुझे पैसे दे दो। अब मैं पैसे तो मैं नहीं दे सकता इतनी जितनी डिमांड कर रही हूँ। तो क्या मतलब इनका काम ही ये लग रहा है क्या? मतलब इनकी पहले भी शादी हो चुकी है? इनकी पहले ही शादी हुई थी, वहाँ से ही इन्होंने पैसे लिए थे। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इनके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई हो। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे नौकरी भी नहीं कर मिल रही है ठीक से। मेरी सर्विस है, मेरे ऑफिस से फ़ोन आ रहे हैं बार बार, मेल आते हैं, मैं किस तरीके से कर पाऊँगा? जब मेरी सर्विस ही चली जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा? पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।